देश की सबसे बड़ी ताकतवर माने जाने वाली लॉबी कमजोर होती जा रही है। मोदी सरकार में आईएएस अफसरों का वर्चस्व कम होने लगा है। देश में सबसे मजबूत माने जाने वाली आईएएस लॉबी और उनके पद की ताकत कमजोर पड़ते नजर आ रही है। सरकार की ओर से उठाए गए हालिया कदम से कुछ ऐसे ही संकेत मिलते हैं। हाल ही में 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति का इसमें सिर्फ 7 आईएएस को ही मौका मिला है। 2 दिन पहले मोदी सरकार ने इस कार्यकाल में किए गए सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल में अपने इरादे जाहिर कर दिए। मोदी सरकार ने जता दिया है कि केंद्र में सिर्फ आईएएस की तूती नहीं बोलने वाली। सियासी और प्रशासनिक गलियारे में कहा जा रहा है कि सरकारी कामकाज में आईएएस अफसरों का वर्चस्व तोड़कर सरकार बड़ा संदेश देना चाहती है। सरकार ने जिन 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की उसमें ज्यादातर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, भारतीय डाक एंड संचार, भारतीय सैन्य अकाउंट सेवा, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के अफसर शामिल हैं। इन अफसरों को सचिव बनाए जाने का प्लान इस साल फरवरी में ही मोदी सरकार ने बनाया था। दूसरे कार्यकाल में प्लान को लागू करने को कहा जा रहा है कि सारी कवायद मोदी सरकार की ओर से ब्यूरोक्रेसी को गति देने के मकसद से की जा रही है, परंतु इस प्लान के कारण सीधे तौर पर आईएएस अधिकारियों की ताकत को कम कर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को सरकार अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेसी में ले आई है। वहीं 33 संयुक्त सचिवों की नियुक्ति भी की जा चुकी है जो कि सभी भाजपा के इशारों पर काम करें। विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेताओं की तरफ से भी इसको लेकर बयानबाजी हुई थी। इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि यह मनवादी सरकार यूपीएससी को दरकिनार कर बिना परीक्षा के नीतिगत व संयुक्त सचिव के महत्वपूर्ण पदों पर मनपसंद व्यक्तियों को कैसे नियुक्त कर सकती है। यह संविधान और आरक्षण का घोर उल्लंघन है। कल को ये बिना चुनाव के प्रधानमंत्री और कैबिनेट बना लेंगे। इन्होंने संविधान का मजाक बना दिया है। पूर्व आईएएस और कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की और इसकी मंशा पर सवाल भी उठाया। नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को लेकर उन्होंने कहा, यह गलत है, इसमें इंडियन नेशनल का जिक्र किया गया है, इंडियन सिटीजन का नहीं, तो क्या बाहर रहने वालों को भी बनाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार बीजेपी और संघ के लोगों को बैकडोर से घुसेड़ना चाहती है। सरदार पटेल ने अधिकारियों की इस श्रेणी को स्टील फ्रेम कहा था। उनका मानना था कि नेता और सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इस श्रेणी के अधिकारियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह उनके डिवीजन के साथ भी खिलवाड़ है। मोदी सरकार ने अपने हिसाब से ही 33 सचिवों की नियुक्ति बड़े बड़े आधिकारिक पदों पर करके संविधान और आरक्षण का घोर उल्लंघन किया है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।